नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में। और इस अंक में आज अपने तमाम आंकड़ों के साथ और अपनी विशेष राय के साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार और कमेंट्रेटर रजत सेन गुप्ता। रजत, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। नमस्कार श्रोताओं, नजर अब तक की खास खबरों पर। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के सूरत में आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न। सर्विसेज 128 पदक लेकर शीर्ष पर। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। और भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ लेने के लिए 3 साल का प्रतिबंध। स्कैन में सबसे पहले बात महिला एशिया कप की। बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप खेला जा रहा है और कल सेमीफाइनल के 2 मुकाबले होंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत और थाईलैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 से खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दोपहर 1 बजे पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। तालिका में भारत शीर्ष पर है और थाईलैंड चौथे स्थान पर काबिज है। वहीं पाकिस्तान दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है। फाइनल मुकाबला इस महीने की 15 तारीख को होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल क्या कुछ रहेगी स्थिति, इस पर एक नजर डाल लेते हैं हम जागृति के साथ। बांग्लादेश के सिलहट में इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सफर शानदार रहा है और वो अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारत और थाईलैंड के बीच पिछला मुकाबला एक तरफा रहा था, जिसमें भारत ने थाईलैंड को 16वें ओवर में सिर्फ 37 रन पर ढेर कर दिया था और केवल 6 ओवर में लक्ष्य हासिल कर आसान जीत दर्ज की। भारतीय टीम एक बार फिर थाईलैंड की टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाना चाहेगी। अब ये देखना होगा कि भारत प्रयोग जारी रखता है या फिर फाइनल की तैयारी के लिए अपनी सबसे मजबूत टीम उतारता है। वहीं थाईलैंड की टीम ने मेजबान और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को हराकर पहली बार एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दूसरा सेमीफाइनल भी कल ही पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस पिच पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, वहीं बल्लेबाजों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं मौसम की बात करें तो मैच के दिन आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और खेल के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत, कल भारत एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा थाईलैंड के खिलाफ और फाइनल में जगह बनाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि थाईलैंड वही टीम है जिसने पाकिस्तान को पराजित किया था, तो कल का मुकाबला क्या कड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि हम पाकिस्तान से हारे भी थे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि दोनों ही टीमें जी जान लगाएंगी। देखिए, क्रिकेट में या किसी भी दूसरे खेल में ये कहा नहीं जा सकता कि किस दिन कौन सी टीम बेहतर खेलेगी जी, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान हम पर भारी पड़ा था या हमारा कोई प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस तरह से भी अगर आप देखें तो थाईलैंड की जो टीम हमारे सामने होगी कल, उसको हम 9 विकेट से हरा चुके हैं इसी टूर्नामेंट के अंदर। और ये जो 9 विकेट की जो जीत है, कि जितने ज्यादा अंतर से हम जीतते हैं उसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ तो मिलता ही है जी। और दूसरी बात, जहां तक अगर स्पिन बोलिंग उसमें वहां पर काम आती है, तो हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। दीप्ति शर्मा है, स्मृति मंधाना भी लेफ्ट हैंड बैटिंग तो खैर करती ही हैं, और हरमनप्रीत कौर जो है हमारी कप्तान है, वो भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर लेती हैं। इसके अलावा देखिए, अब जो हमारे लेफ्ट हैंडेड जो बॉलर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कल की कैसा खेलते हैं हमारे जो खिलाड़ी हैं, और खासतौर पर जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट आर्म स्पिन जो है वो अगर खेलने वाले राजेश्वरी गायकवाड़ को अगर खिलाया जाता है या राधा यादव खेलती हैं, तो भी संभवतः लेफ्ट हैंडेड जब बोलिंग होती है और स्पिन बोलिंग जब लेग स्पिन होता है,
तो खिलाड़ियों को कई बार उसको खेलने में दिक्कत आती है। रजत, कल दो खिलाड़ियों पर विशेष तौर पर नजर रहेगी। जेमिमा रॉड्रिक्स भारतीय बल्लेबाजी, जहां मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगी, कितने रन वो बोर्ड पर लगा पाती है शायद जीत उस पर निर्भर करेगी। और अगर भारत बॉलिंग करने के लिए उतरता है तब नजर रहेगी दीप्ति शर्मा पर। जी बिल्कुल, दीप्ति शर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अभी, और कहिए कि स्नेह राणा ने जी जो तीन विकेट लिए 9 रन दे करके, उससे पूरा जो खेल है वो भारत के कब्जे में आ गया। तो इस तरह का चमत्कार अगर कोई एक खिलाड़ी भी कर जाता है तो निश्चित ही भारत के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं होगा इस मैच को जीतना। तो भारत एक बहुत बढ़े हुए मनोबल के साथ कल इस खेल को खेलने में उतरेगा, और उसके बाद मनोबल अगर ऊंचा रहा तो बहुत अच्छे से खेल होगा। रजत, कल ही दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में होगा, क्या भारत के पास ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी होगा कि हम जीत जाते और फाइनल में मुकाबला फिर पाकिस्तान से होता है, तब स्थितियां कैसी रहेंगी? देखिए, पाकिस्तान और भारत का जब भी मुकाबला होता है दोनों टीमें अपने उत्साह के चरम पर रहते हैं जी। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी से डर लगता है। वो मुकाबला जो है वो एक दूसरे ही ढंग का मुकाबला होता है जी। इसमें दोनों ही देश के लोग, अवाम वहां के लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व रहते हैं, और उनका जो वाइब्रेशन है ये दोनों ही टीमों को संचालित करता है, उनको उत्साह से भर देता है और खेलने के लिए और अच्छे खेल खेलने के लिए उसको प्रेरित करता है उनको। तो कल तो कुछ भी उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, और बल्कि भारत चाहेगा कि पाकिस्तान से मुकाबला हो उसका फाइनल में, तो जिससे कि खेल में एक अलग सा उत्साह वो महसूस कर सकें और अपना बेहतरीन प्रदर्शन कल कर सकें ताकि ये ट्रॉफी वो जीत सके। भारतीय महिला टीम के पास सुनहरा मौका है इस बार एशिया कप कब्जे में करने का, और जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, एशिया कप के एक आध मैच को छोड़ दें, भारत जिस तरह से इंग्लैंड में प्रदर्शन कर आ रहा है और उसी को जारी रखता है, कंटिन्यूशन में रखता है, तो ये कप जो है हम हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं, ला सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर पर अगर देखिए कि एशियन रैंकिंग में अगर आप देखें तो उसमें रैंकिंग में हम दूसरी जो टीमें हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, इनसे हम ऊपर हैं। हम विश्व रैंकिंग में 6 नंबर पर हैं वुमेन्स का, जहां तक ख्याल है जी। तो भारत जो है वो 5वें नंबर पर है, बांग्लादेश 7वें नंबर पर और पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। तो रैंकिंग अगर ये कोई इंडिकेटर है तो भी यह कहा जा सकता है कि भारत एक बढ़े हुए मनोबल के साथ खेलेगा और अच्छा खेलेगा और बहुत अच्छा खेलेगा। हालांकि क्रिकेट में अंतिम बॉल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि भारत फाइनल मुकाबला खेले जरूर। ऑस्ट्रेलिया में इस महीने होने वाले 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के साथ 2020 श्रृंखला के आखिरी मैच में दीपक चाहर चोटिल हो गए थे। चयनकर्ता चोटिल बुमराह की जगह मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को भी टीम में शामिल कर सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। रविन्द्र जडेजा चोट के कारण पहले ही टीम से बाहर हैं। T20 विश्व कप में भारतीय तेज गेंदबाजी का अब एक अलग रूप दिख सकता है, ये खबर आ रही है। भारत चोटों से जूझ रहा है, भारतीय पेस बैटरी जो है चोटों से जूझ रही है। अभी पिछले मैचों की बात करें तो 19वें ओवर का खौफ जो है वो अभी तक भारतीय टीम पर है, नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से रन रोके जाए। ऐसे में सभी तेज गेंदबाज जो है एक एक करके चोटिल हो रखे हैं, प्रेशर कितना रहेगा? नहीं, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। खिलाड़ी जो है वो अपनी तैयारी अपने ढंग से करते हैं, हम लोग तो दर्शक हैं या श्रोता हैं और देखते हैं मैचेस को मैदान के बाहर से। मैदान में रहते हुए जो खेलता होता है उसकी तो यही कहना चाहिए कि उसकी तमन्ना भी यही रहती है, बल्कि उसकी कोशिश भी ये रहती है कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करे। अगर मोहम्मद शमी आ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, पेस बॉलर हैं, बहुत अच्छा स्विंग करते हैं। हो सकता है कि बुमराह से वो अलग ढंग की बॉलिंग करते हैं, पर कौन बेहतर है और कौन कमतर है ये कहना कभी भी आसान नहीं होगा इन दोनों के बीच में। और जहां तक शार्दुल ठाकुर की बात है, शार्दुल ठाकुर न केवल एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, मतलब ऑलराउंड उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो ये जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, बुमराह का होना अपनी टीम में निश्चित ही एक ज्यादा एक एज रखता हमारी टीम के लिए। रजत, ऑस्ट्रेलिया के पिच तेज तर्रार गेंदबाजी को हमेशा सपोर्ट करती हैं, ऐसे में कौन ऐसा होगा जो कि सपोर्ट करेगा एक दूसरे को तेज गेंदबाजी में, अगर भारतीय बॉलिंग की बात करें तो? देखिए, मोहम्मद शमी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और अगर शार्दुल ठाकुर भी आते हैं उनकी जगह में उनके साथ में तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये तो। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि
जो ऑस्ट्रेलिया का जो वातावरण है वहां की जो पिच है वो हमेशा इसी तरह की बनती है जिसमें फास्ट बोलिंग को मदद मिलती है। लेकिन उसी तरह से हमारे केवल बोलिंग तो करेंगे नहीं खिलाड़ी, बैटिंग भी करेंगे, तो वो बैट्समैन भी हैं हमारे सामने जो बैट्समैन होंगे हमारे तेज गेंदबाज के सामने, या मान लीजिए उन्हें तो स्पिन खेलने की बहुत ज्यादा उस तरह की अभ्यास, उस तरह का अभ्यास नहीं है, खासकर शेन वॉन जैसे जो खिलाड़ी थे उनके जाने के बाद। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्पिनर हैं वो भी कामयाब हो सकते हैं, हो सकते हैं कि हमारे स्पिनर ही हमें कामयाबी दिलाएं। 16 अक्टूबर से आगाज हो रहा है इस टूर्नामेंट का, भारतीय बल्लेबाजी अपने सर्वश्रेष्ठ पर है, फॉर्म की हम बात कर रहे थे, विराट कोहली फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि केएल राहुल भी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय और रोहित शर्मा भी। कुल मिलाकर टीम एक तटस्थ टीम नजर आ रही है, सशक्त टीम नजर आ रही है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये टीम जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका इस जैसी तेज तर्रार टीम के आगे अपना चुनौतियां पेश कर पाएगी? हमारी चुनौती इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे जो ओपनर्स हैं और शुरू के जो चार बल्लेबाज हैं वो कैसा प्रदर्शन करते हैं जी, और इस तरह से ये जो प्रदर्शन है इसको बिल्कुल कहना चाहिए कि उनको कामयाब करना पड़ेगा अगर हमको इन सब टीमों से मुकाबला करना है आगे चलकर। और दूसरी बात, एक बात जरूर सेटबैक है कि हमारे जो ऑलराउंडर हैं वो नहीं खेल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे टीम में ऑलराउंडर होना चाहिए। रजत ऑन जडेजा बात कर रहे थे आप, तो जडेजा अगर नहीं खेलेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान जरूर है, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपना बहुत अच्छा योगदान देते हैं और उनका योगदान बड़ा ही मारक होता है, तो वो एक जरूर माइनस पॉइंट है, लेकिन उससे हम उबर करके खेलेंगे। रजत ऑन पे पर हम बात करें तो हम शार्दुल ठाकुर तक बैटिंग कर सकते हैं, केएल राहुल हैं, रोहित शर्मा हैं, फिर विराट कोहली आएंगे, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उन्हें हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते, 360 डिग्री शॉट्स खेल रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में है, और उसके बाद हार्दिक पांड्या। ये पांच खिलाड़ी अगर फॉर्म में आ जाते हैं या कोई एक खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होता तो भी भारतीय बल्लेबाजी सशक्त नजर आती है, ऐसे में क्या हम हर मैच में 180-190 रन करने पड़ेंगे तभी जीत हासिल हो पाएगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हमारी बोलिंग पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम कितना रोक सकते हैं। ये T20 का मैच है जी, बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे बैट्समैन को जमने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर तीन या चार बैट्समैन ही जम जाते हैं बहुत है, काफी है उसके लिए, तो मेरा ख्याल है कि T20 का मुकाबला तो ऐसे ही खत्म होता है, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है जी। तो मुझे लगता है कि अगर शुरुआत के जो बैट्समैन हैं वो अपनी दृढ़ता कायम रखें, मनोयोग के साथ खेलें, तो सफलता में कोई कसर नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस फर्राटा क्रिकेट में भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन करेगी, स्पोर्ट्स स्कैन की लगातार नजर बनी रहेगी और हम यही उम्मीद करेंगे कि भारत इस बार 15 साल का सूखा खत्म करेगा और विश्व कप वापस भारत लेकर आएगा। इस बीच ICC ने आज 2020 विश्व कप से पहले रैंकिंग जारी कर दी है। विश्व कप से पहले की ये आखिरी रैंकिंग है। बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान पहले और बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार 13वें स्थान पर मौजूद हैं, जबकि अश्विन को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह 22वें पायदान पर पहुंच गए हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या ने शीर्ष 5 में जगह बना ली है। और अब बात राष्ट्रीय खेलों की। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल आज संपन्न हो गए। समापन समारोह इस समय सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इन खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने शानदार प्रदर्शन किया, 61 स्वर्ण अपने नाम किए, कुल 128 पदक लिए। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, उसने 39 स्वर्ण जीते और तीसरा स्थान हरियाणा को मिला जिसने 38 स्वर्ण लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए गए, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। गुजरात ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की और इन खेलों में लगभग 7,000 एथलीटों ने 36 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। एक बहुत बड़ा खेलों का आयोजन रहा है अगर भारतीय खेल की बात करें, जिस तरह से सरकार लगातार खेलों को सपोर्ट करती आ रही है और इस बार हमने देखा भी नए चैंपियन उभर कर आए हैं, नए रिकॉर्ड्स बने हैं और नए खेल भी इसमें जुड़े हैं जी। बहुत सारे खेल हुए इस बार, तो 7,000 एथलीट्स आए इसमें और इसमें 8 यूनियन टेरिटरीज के और 28 स्टेट्स और सर्विसेज की एक टीम अलग से रही। हालांकि इन स्टेट्स को
पीछे छोड़ते हुए सर्विसेज की टीम ने सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल किए, उनमें गोल्ड मेडल्स की संख्या शायद 56 या उससे भी ज्यादा है और टोटल 121 नंबर लेकर के सर्विसेज की टीम आगे है और सबसे टॉप पर रही है। हां, जहां तक मेजबान गुजरात की बात है, अब तक के जितने भी नेशनल गेम्स हुए हैं जहां जहां भी हुए हैं उनके मुकाबले इस बार गुजरात को मेजबानी करते हुए सबसे ज्यादा सफलता मिली है और अभी उनको गुजरात को जो है वो 13 गोल्ड 15 सिल्वर और 19 पदक कल तक मिल चुके थे। मैं आज की अद्यतन खबरें नहीं बता पाऊंगा, तो ये कहा जा सकता है कि अब तक का जो प्रदर्शन रहा है उनका वो बेहतरीन प्रदर्शन गुजरात का इस बार का रहा है। जी रजत, एक बहुत ही खूबसूरत बात इस बार 36वें राष्ट्रीय खेलों में देखने को मिली कि उन खिलाड़ियों ने भी उतनी ही शिरकत से इसमें हिस्सा लिया जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, चाहे हम मीराबाई चानू की बात करें, लवलीना बोरगोहेन की बात करें, हालांकि और खिलाड़ी उनके आगे कहीं नहीं टिकते थे, लेकिन इससे भारतीय खिलाड़ियों को, देसी खिलाड़ी जो हमारे अपने खिलाड़ी हैं, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ खेलने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस सवाल से जो जवाब निकलता है वो ये है कि हमें खेल की जो प्रतियोगिता है उसके स्तर को देखते हुए हमारा खेल नहीं खेलना चाहिए, और ऐसा ही हुआ है हमारे खिलाड़ियों के साथ में और बहुत अच्छा लोगों का प्रदर्शन रहा है, और खासतौर पर वो खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम किया है अपना, बहुत अच्छे अच्छी उपलब्धियां हैं उनके साथ, उनको केवल अब कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगी ये सोच करके उसमें भाग नहीं लेना या पूरे मन से भाग नहीं लेना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ देखते हुए बहुत सारे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, उनकी प्रेरणा से पता नहीं कितने सारे और खिलाड़ी होंगे जो ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रजत, जब हम खेलों को कवर कर रहे थे तो मलखंब और योगासन, दो ऐसे खेल जो भारतीय पारंपरिक खेल हैं, उनको देखने में बहुत आनंद आया कि किस तरह से बहुत ही छोटे उम्र के खिलाड़ी जो हैं बहुत तेजी से जो हैं इस खेल में आगे बढ़ रहे हैं। जी, और जो नवीनता है वो हमेशा ही आकर्षित करती है, और इस लिहाज से जो नए लगने वाले जो खेल हैं जो कि काफी पुराने समय से हमारे देश में खेले जाते रहे हैं, देश के हर कोने में, गांवों में, कूचों में, तो उसके प्रति भी लोगों की रुचि बढ़ी है। और अब बात महिला फुटबॉल की। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में आज गोवा में कनाडा और फ्रांस के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा, वहीं नवी मुंबई में चीन ने मैक्सिको को 2-1 से पराजित किया। कल भारत को अपने पहले मुकाबले में विश्व की नंबर एक टीम अमरीका से 0 के मुकाबले 8 गोल से हार का सामना करना पड़ा। भारत का अगला मैच शुक्रवार को मोरक्को से होगा। भारत कल हार गया लेकिन विश्व की नंबर एक टीम से हारा, किस तरह से एनालिस्ट करते हैं इस दोनों के बीच बहुत अंतर है खेलने में। यूएसए जो है उसकी महिला टीम जो है वो नंबर एक की है जी। और भारत का अभी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जो है फीफा का वो 58वां नंबर है जी। और मोरक्को के साथ जो खेल होगा भारत का उसमें उम्मीद लगाई जा सकती है क्योंकि मोरक्को हमारे से रैंकिंग में काफी पीछे है जी। हम 58वें नंबर पर हैं और मोरक्को 76वें नंबर पर है, तो इसलिए रैंकिंग को अगर हम एक मानक मानते हैं तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम में जो कमजोरियां हैं उसको सुधार कर ये मौका वो निकाल सकते हैं कि भाई कम से कम ये मैच तो उनको जीतना ही चाहिए। बाकी के जो दो मैचेस होंगे वो ब्राजील के साथ होंगे, मोरक्को का मैच तो आगे ही होने वाला है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। देश में यह आयोजन पहली बार राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह संगोष्ठी शुक्रवार तक चलेगी। डोपिंग की चुनौती से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि डोपिंग रोधी मोर्चे पर सरकार ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण के साथ समझौता किया है ताकि पोषण सप्लीमेंट्स का परीक्षण किया जा सके। और अगली खबर, भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ लेने के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने आज इसकी घोषणा की। रजत, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय और अपने आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में संपन्न और भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ लेने के लिए 3 साल का प्रतिबंध। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।